दर्शक आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। अलीपुर द्वार जिले में बस्ती इलाके में वयस्क तेंदुए का शव बरामद। वयस्क नर तेंदुए का शव बरामद किया गया। रविवार सुबह अलीपुर द्वार जिले के उत्तर देलगांव बस्ती इलाके में तेंदुए का एक शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तेंदुए की मौत कब और कैसी हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक स्थानीय निवासी अन्य दिनों की तरह रविवार सुबह भी काम पर गए, तभी उन्होंने खेत में एक मरा हुआ तेंदुआ पड़ा देखा। इसी बीच खबर पाकर वनकर्मी मौके पर गए। वन अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इस पूरी घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। लॉरी की चपेट में आने से माँ और बेटी की मौत, तीन घायल। लक्ष्मी पूजा के अवसर पर एक रिश्तेदार के घर से लौटते समय एक लॉरी के चपेट में आने से माँ और बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। शनिवार को मालदा के गाजोर थाना क्षेत्र का बारडांगा इलाके में ये घटना घटी है। पुलिस ने बताया कि मृतक कासे सरकार और उनकी बेटी रीता सरकार है, घर चंगरा बेरा में है। ब्याह सुबह लक्ष्मी पूजा के अवसर पर एक रिश्तेदार के घर से टोटो में लौट रही थी। टोटो में तीन और यात्री सवार थे। टोटो में उस वक्त पांच लोग सवार थे। गाजोर थाना क्षेत्र के बरदंगा इलाके में एक लोरी ने टोटो को टक्कर मार दी। घटना में तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पांच लोगों को बचाया और उन्हें गाजोर ग्रामीण अस्पताल ले गए। इसके बाद मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही माँ और बेटी की मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गाजोर थाना पुलिस के अनुसार घटना के बाद से चालक फरार है। लोरी को जब्त कर लिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। सरकारी बैंक से 13 लाख रुपए की लूट के मामले में कुचबिहार के कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सरकारी बैंक से 13 लाख रुपए की लूट के मामले में कुचबिहार के कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। कुचबिहार के पुलिस अधीक्षक प्रतिमान भट्टाचार्य ने आज कुचबिहार के कोतवाली थाने में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 16 अक्टूबर को कुचबिहार के सरकारी बैंक के मैनेजर और एक अधिकारी 13 लाख रुपए लेकर पुतिमारी फुलेश्वर शाखा जा रहे थे। एक फोटो में रुपये करके उस घटना में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और लूटे गए 13 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मोटर गोले बरामद करने के लिए एक और अभियान चलाया। सिक्किम की भयावह बाढ़ के बाद आज भी तिस्ता में सेना के मोर्टार की गोली बिखरे पड़े हुए हैं। बिखरे मोर्टार सेल को खोज निकालने के लिए पुलिस ने रविवार को फिर से तिस्ता पार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना पुलिस सादे लिबास में पुलिस बल के साथ तिस्ता पार के पहाड़पुर ग्राम पंचायत में खोज अभियान पर निकली। वही बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से इलाके के लोगों के नदी में उतरने पर रोक लगा दी गई है।